हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने एमएस वर्ड में अनवांटेड पेजेस को या ब्लैंक पेजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं या कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज हम आपको यही सिखाएंगे। इससे पहले मैंने एक मेथड ऑलरेडी आपको सिखाया था जिसके जरिए आप अपने एमएस वर्ड में से ब्लैंक पेजेस को हटा सकते थे। आज हम आपको एक और मेथड बताएंगे और इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ फाइल में से पेजेस को कैसे रिमूव करना है इसका मेथड भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखा चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल जाता हूं मैं अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में और यहां से मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूं और यहां से हम ये एमएस वर्ड यूज करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें टोटल तीन पेजेस हैं, एक दो और तीन, और यहाँ से हम इस दरमियान वाली पेज को रिमूव करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेजेस वर्टिकली है तो हम इनको हॉरिजॉन्टली लाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है यहाँ पे व्यू में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन पेज, टू पेज, और यहाँ पे पेज विड्थ का ऑप्शन है। आपने यहाँ से टू पेज पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको दो पेजेस नज़र आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे थर्ड पेज भी यहाँ हॉरिजॉन्टली आए तो उसके लिए आपने आना है यहाँ से जूम में, और यहाँ से आपने इसके परसेंटेज को कम करना है। तो यहाँ से मैं करता हूँ 50 तक करता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों पेज हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ चुका है। और उसके बाद यहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपने जिस पेज को रिमूव करना है इस पे आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से मैं अपना कीबोर्ड यहाँ पे शो करता हूँ ताकि यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ सके। और उसके बाद आपने यहाँ से अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस टेबल में आपको कोई चीज़ टाइप करना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है बैक स्लैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिलीट का ऑप्शन है उसके साथ वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं बैक स्लैश, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है पेज, PAGE पेज, और उसके बाद आपने यहाँ से इंटर प्रेस करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस की तो यहाँ पे ये पूरा पेज सेलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज करना है और यहाँ से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया तो यहाँ से पेज नंबर 2 रिमूव हो चुका है और इसमें जस्ट दो पेजेस बचे हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं अगेन इस पेज को भी रिमूव करके दिखाता हूँ, यहाँ से पेज नंबर 1 को। अगेन आपने जिस पेज को रिमूव करना है उस पेज पे अपने माउस को टैप कीजिए और यहाँ से अगेन आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस जी। और यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे बैक स्लैश लिखता हूँ, स्लैश, और इसके बाद पेज, और यहाँ से आपने इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ से आपने इसको क्लोज करना है और यहाँ से आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हमने पेज 1 को भी रिमूव कर दिया है। फ्रेंड्स इस मेथड से आप भी अपनी एमएस वर्ड में से ब्लैंक पेजेस को या अनवांटेड पेजेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको इस तरह के मजीद वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।